नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हनुमान जी महाराज आज भी इस धराधाम पे जीवित अवस्था में हैं। और ऐसा हमारे पुराण और शास्त्र बताते हैं कि हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि माता सीता ने उन्हें तब दिया था जब माता सीता के पास प्रभु श्री राम की आज्ञा से वह उनकी मुद्रिका लेकर गए थे। वह मुद्रिका देखकर माता सीता प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को 5 आशीर्वाद दिए कि जो भी तुम्हें किसी भी काल में याद करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तो अवश्य ही तुम उसकी सभी परेशानियों को दूर कर पाओगे। उसके लिए तुम्हारे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए आज भी कोई भी भक्त अगर हनुमान जी को पुकारता है तो वह उसकी अवश्य सुनते हैं। आपने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भी सुना होगा, उनकी कृतियों में यानी हनुमान चालीसा हो, श्री रामचरित मानस हो, हनुमान बाहुक हो, इन सभी में उन्होंने हनुमान जी की अतुलित बल की, अतुलित शक्ति की और सभी सिद्धियों की चर्चा की है। हनुमान जी इतने बलशाली हैं कि वह किसी भी स्थिति में जीवित रह सकते हैं और किसी भी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो या फिर विशाल शरीर हो। मच्छर के समान होने वाले हनुमान जी जब सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं तो वह उसके कान से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद 100 योजन का शरीर भी अपना बना लेते हैं। लंका में प्रवेश कर लंका दहन भी कर देते हैं। हनुमान जी की इन उपलब्धियों से बहुत सारी शिक्षाएं हमें आज भी प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कितनी भी भयंकर दुश्मनी या कितना भी भयंकर दुश्मन हो, वह आपके सामने घुटने टेक देगा। बस आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर ये एक खास टोटका करना है या उपाय करना है। दोस्तों, यह उपाय कुछ इस प्रकार से है, इसकी विधि भी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पे कम से कम 1 सुपारी, 4 लौंग और थोड़ा कपूर लेना है। अब इसे हनुमान जी का ये खास मंत्र बोलते हुए आपको हनुमान जी के मंदिर के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद वहीं बैठकर इसे एक मंत्र की एक माला अवश्य करनी है और अपनी सभी परेशानियां हनुमान जी के समक्ष रख देनी है। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम आइम ब्रीम श्री राम दूताय हनुमते नमः। इस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से आप कपूर, लौंग, सुपारी इत्यादि को पान के पत्ते के ऊपर जला दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी हमारे सभी दुश्मनों को, बुरी शक्तियों को हमसे दूर करें और हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद प्रदान करें। तो अवश्य ही हनुमान जी आपकी सुनेंगे और आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इस विधि से की गई पूजा हनुमान जी हमेशा ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।